सबसे जरूरी चीज ये समझना है कि जो ईसीपी थेरेपी है ये कौन से पेशेंट में करना चाहिए या कौन से पेशेंट के लिए अप्रूव है। तो ये अप्रूव थेरेपी है ओनली फॉर दोज पेशेंट्स जिनमें चेस्ट पेन नहीं कम होता है इंस्पाइट ऑफ टेकिंग मल्टीपल मेडिसिन। सारी दवाइयाँ अगर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइज मेडिकल थेरेपी, सब थेरेपी के बावजूद अगर चेस्ट पेन है और ऐसे पेशेंट जिसमें ना एंजियोप्लास्टी हो सकता है ना बाईपास हो सकता है। आजकल ये पेशेंट्स बहुत कम हो गए क्योंकि एंजियोप्लास्टी और बाईपास प्रोसीजर का जो टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुका है, तो बहुत कम पेशेंट्स में ऐसा आजकल हम देखते हैं कि ये दोनों नहीं हो सकता है। बट अभी भी कुछ पेशेंट्स हैं जैसे अगर किडनीज फेल है, लंग्स बहुत डैमेज है, पेशेंट को अगर वेंटिलेटर पर नहीं डाल सकते हैं तो उनका बाईपास नहीं हो सकता या उनका एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकता। अगर बहुत ज़्यादा कैल्सीफाइड आर्टरीज है और एकदम छोटे छोटे आर्टरीज है उनके हार्ट के, तो वहाँ पे भी बाईपास करना और एंजियोप्लास्टी करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही केसेस हैं जिनमें ये थेरेपी अप्रूव है। अब ज़रूरी ये सीखना समझना है कि कौन से केसेस में ईसीपी नहीं कर सकते। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कोई भी अक्यूट कार्डियक केस में ऑनगोइंग चेस्ट पेन अगर है पेशेंट को, अभी चेस्ट पेन हो रहा है, सिम्टम्स है, ईसीजी में चेंजेस है, तो ऐसे केसेस में ईसीपी नहीं जा सकते। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोई भी वाल का अगर उनको प्रॉब्लम है, हार्ट में वाल का प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर एओर्टिक वॉल में रिकर्जिटेशन है या एओर्टिक वॉल लीक कर रहा है, तो ऐसे केसेस में नहीं कर सकते। हार्ट का साइज अगर ऑलरेडी बहुत बड़ा है तो ऐसे केसेस में भी नहीं कर सकते। हार्ट का पंपिंग बहुत ज़्यादा कम है तो भी बहुत कॉशियसली ईसीपी थेरेपी को लेना चाहिए। इसके अलावा जो पेशेंट्स को रिदम प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट बीट बहुत ज़्यादा है, 120 से ज़्यादा है, या फिर हार्ट बीट इरेगुलर है, इसको बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, या पहले पेसमेकर लगा है, ये केसेस में भी इस थेरेपी को नहीं यूज़ कर सकते हैं। जिनको पहले कभी भी पैर के वेंस में क्लॉट हुआ है, डीवीटी बोलते हैं जिसको, वो पेशेंट्स में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और अगर किसी के पैरों के नसों में भी ब्लॉकेजेस है, जैसे हार्ट के नसों में ब्लॉकेज होता है वैसे ही पैरों के आर्टरीज में ब्लॉकेज होता है, उसको अगर किसी को वो डिजीज है तो भी ये थेरेपी नहीं ले सकते। तो ये पता रखना बहुत जरूरी है कि कौन से केसेस में ईसीपी थेरेपी में हम नहीं जा सकते। ये थेरेपी सेफ है।